हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में, हमारी परंपरागत वेशभूषा में और परंपरागत कक्ष में आप सबका स्वागत है। हमने डिसीजन लिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, ना तो मैं घर गया और ना गया नोएडा, मैं यहीं पर हूँ रुड़की में और यहीं पर बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आज हम किसी एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो मैंने डिसाइड किया है। और क्योंकि क्या है ना कि ब्लॉग्स थोड़े से जब घर में मैं रह रहा हूँ, पहले मैंने डिसाइड किया था कि जब मैं घर पे रहूँगा एक्टिविटी नहीं होगी तो कुछ हम किसी टॉपिक्स के ऊपर जो है ना अपना एक ब्लॉग में शूट करूँगा और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, हालांकि ये मैंने जो कुछ टाइम पहले बोला था कि जो ग्रास रूट बॉयज चैनल है उस पर होना चाहिए, बट अभी हम इसी पर फोकस कर रहे हैं तो अपना इसी वाले चैनल पर देखते हैं नॉर्मल, ठीक है। आज का टॉपिक है जो है विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, ठीक है, ग्रामीण विकास, गांव का विकास। तो यू नो समटाइम्स देखो, मैंने पहले भी बोला है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, और तो मेरी सोच के हिसाब से मतलब मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया इधर से उधर घूम रही है पैसे कमाने के चक्कर में, है ना। मैं भी हूँ उसमें शामिल, इवन माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने तो जो है ना बहुत जो है क्या करना चाहिए, बड़े टफ डिसीजन लेके मेरे जो है पापा ने जो है मुझे पढ़ाने के लिए भेजा, है ना। गांव की जो लैंड थी अपनी जो है फार्मिंग की, वो सेल करी मेरी पढ़ाई के लिए ताकि मैं पढ़ो लिखूँ कुछ कर लूँ, ठीक। अब कुछ करने से ये है कि जीवन में या तो कुछ मतलब जॉब करो, बिजनेस करो, ज़्यादातर तो नौकरी के लिए ही पढ़ाते हैं सब, ठीक है। तो नौकरी वगैरह तो खैर हमसे हो नहीं पाई, करी नहीं अपने एम्बिशंस की वजह से। और अब इतनी सी एज में जो है ना 33 होने वाला हूँ, उसमें मुझे ये समझ में आ गया है कि कभी कभी तो लगता है इंसान को कि पैसा कमाना सब कुछ है, कभी कभी लगता है कि पैसे से खुशी आती कहाँ है। क्योंकि जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, क्या वो खुश हैं? अगर पैसे से खुशी आती तो इसका हिसाब से तो भाई जिंदगी में जो लोग सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होने चाहिए। पर आप मुझे ये चीज़ देख के बताओ, क्या ऐसा है? क्या जिसके पास सेविंग है, जिसके पास पैसा है, क्या वो खुश है? तो ये तो खैर एक अलग टॉपिक हो गया, इस पर भी चलो किसी दिन बात करेंगे। अभी आ जाते हैं बैक टू ब्लेस डेवलपमेंट। अभी मेरी लाइफ को छोड़ दो, है ना, बहुत जो है फिर बोरिंग हो जाती है टॉपिक अभी इंटरेस्टिंग चली नहीं रही है ज़िंदगी, इंटरेस्टिंग बनानी पड़ेगी। ब्लेस डेवलपमेंट की बात आ रही है तो मुझे आप लोग ये बताओ कि गांव का विकास किस तरीके से हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जड़ें छोड़ के, आज की डेट में इतना बड़ा टॉपिक है ये कि माइग्रेशन हो रहा है इस देश में अंदर ही अंदर, है ना, गांव से शहर, ब्लेस टू सिटी, ब्लेस टू सिटी दबा के एकदम फुल ऑन। गांव में देखो तो तीज त्योहार पे और कुछ स्पेशल जो है ओकेजन्स पे ही लड़के जो है अपना आते हैं, अदरवाइज सब खाने कमाने के लिए बाहर पहुंच गए। जिनके घर में एक से दो ज़्यादा लड़के हैं, बेटे हैं, भाई हैं, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, ठीक है, अकेला नहीं है, तो उन घरों में चलो हो सकता है एक आदमी गांव में रह रहा हो या कुछ हो, तो कुछ इस तरीके की ज़िंदगी हो गई है। हालांकि सबको बाहर जाने की एक दौड़ लगी हुई है कहीं ना कहीं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, और ज़्यादातर सभी गाँव की स्थिति ऐसे ही है। अपने यहाँ की और अपने आसपास की तो मैं बता रहा हूँ, और मुझे बाहर का नहीं पता, नॉर्थ इंडिया का तो मैंने देखा है, ईस्ट में भी देखा है, बिहार, यूपी, सब जगह लगभग ऐसे ही हाल है। ऐसे में फिर हमारे गांव के विकास कैसे हों? क्यों? क्योंकि जो लोग हैं गांव में विकास करने वाले, गांव के विकास करने में कौन लोग मुख्य भूमिका निभाते हैं? एक तो होता है गाँव का प्रधान, एक होता है गाँव का सेक्रेटरी, उसे सेक्रेटरी भी बोलते हैं, ठीक है, और अलग अलग नामों से भी जो है उसको बोलते हैं, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जो पंचायत जो विभाग होता है उसमें सबसे निचले स्तर पे जो गांव से कनेक्टेड होता है। फिर एक होता है पटवारी। ये तीन लोग होते हैं जो मुख्य तौर पर किसी भी गांव के कामकाज में सीधे सीधे इन्वॉल्व होते हैं। गांव का प्रधान तो बिल्कुल सीधा सीधा है, और सेक्रेटरी से मेरे ख्याल से ज्वाइंट अकाउंट वगैरह होता है इनका, और पटवारी का भी योगदान होता है जमीन की काम में रिलेटेड, ठीक है। तो ये लोग हैं रेस्पॉन्सिबल। अब यहां पर काम कर कौन रहा है, कौन क्या क्वालिटी, क्या सब लोग बाहर ही जाएंगे? मतलब पढ़ लिख के
कभी कभी ऐसी जो है मतलब फीलिंग आती है कि क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान अगर गांव का नेतृत्व करेगा, गांव की जो है लीड करेगा, ठीक है, और ग्रीडी नहीं होना चाहिए, पर्सनल पर्सनल उसकी भूख होनी नहीं चाहिए कि भाई वो अपने स्वार्थ के लिए अगर कोई प्रधान बन रहा है तो फिर तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये करूँगा या नहीं करूँगा, ठीक है, विचार तो आता है जिंदगी में, पर फैसले जो है ना आपको ये कड़े फैसले हो जाते हैं, क्योंकि खास तौर से हम जैसे लोग जो बाहर रह चुके हों जिंदगी में और फैमिली मेंबर हैं उन सब के भी जो है एग्रीमेंट से, उन सब की सहमति से डिसीजन लेना होता है। पर लो जो लोग जो बच्चे गांव में हैं और नौकरी के लिए ट्राई किया है उन्होंने और किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाए हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें फिर जो है अपनी साफ नीयत रख के फिर इधर जो है ध्यान करना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा इंसान, नेक नीयत के साथ अगर गांव का प्रधान नियुक्त हुआ तो सोचो वो कितना विकास कर सकता है गांव में। और इतनी स्कीम्स हैं, इतनी स्कीम हैं, बहुत योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, कि जो अगर पढ़ा लिखा इंसान चाहे तो वो पता नहीं काया पलट कर दे गांव की, सच में काया पलट कर देगा, लिटरली मतलब कहां से कहां ले जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। कितना ज्यादा फायदा होगा फिर, और बहुत मतलब बिजनेस भी नए नए तरीके के सेटअप कर सकता है वो गांव में, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, ठीक है, और ये डेयरी का बिजनेस जो है दूध का बिजनेस, ये सब गांव से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये फिलहाल ये दो आइडिया है मेरे पे, और बाकी स्कीम्स वगैरह तो इतनी ला सकता है क्योंकि पढ़ा लिखा है, उसे पता है कहाँ से लेके आनी है कहाँ से नहीं लानी है, डीएम से, विधायक से, और जो आपका तुम्हारा ये लोकसभा का सांसद है, ठीक है, और जो है मंत्रालय है अलग अलग, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो जिन लोगों को जो गांव के, हालांकि देखो राजनीति वगैरह हर तरीके की होती है इसमें भी, है ना, बहुत, हाँ, उसके क्या प्रोज हैं क्या कौनस हैं मैं उस पर डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि गांव में रहने के अपने कौनस भी हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक अच्छी शिक्षा मिले उसके बच्चे को, बढ़िया जगह पढ़ाए वो, ठीक है, हॉस्पिटल नज़दीक हो और बाकी मार्केट जो है वो भी नज़दीक हो जहाँ उसे सब तरीके की फैसिलिटी मिल जाए, तो इस वजह से लोग बाहर जाते हैं और बाहर रह भी रहे हैं। और गांव में अभाव है सुख सुविधाओं का, ठीक है, लाइट का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग गांव में रह रहे हैं क्या वो खुश नहीं है? बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया भी हैं। ये तो सब जो है इच्छाओं का और अपेक्षाओं का खेल है, अगर इच्छाएं बढ़ हुई हैं और अपेक्षाएं हैं और वो पूरी नहीं हो रही हैं तो फिर कहाँ सुख है? कहीं भी सुख नहीं है। तुम्हारे पास इंसान सोचता है कि 1 लाख रुपए आ जाए मेरे पास, 1 लाख रुपए भगवान मुझे दे दे, मैं बचा के रख लूँ, सेव कर लूँ, जिस दिन 1 लाख आ गए फिर उसे 5 चाहिए, फिर 10 चाहिए, फिर 50 चाहिए, फिर 1 करोड़ चाहिए, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, बताओ कहाँ है संतुष्टि? संतुष्टि तो कहीं भी ना, प्यार मोहब्बत से रहना, सुख शांति से रहना और सब्र, ये कहाँ है इंसान के पास? ये तो है ही नहीं। और एक दूसरे से ईर्ष्या, जेलसी और ये सब चीजें करने से तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अब प्रधानी है, प्रधानी में बहुत सारे चैलेंज हैं, ठीक है, क्योंकि जो सोच होती है पढ़ने लिखने के बाद आदमी की सोच एक अलग हो जाती है, और एक जो अनपढ़ आदमी होता है या गांव में कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी सोच अलग तरीके की होती है, उस सोच से समन्वय स्थापित करना ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पर यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो फिर वो सब चीजें कर पाएगा, अगर वो पढ़ाई लिखाई उसकी किस काम की है अगर वो ये सब चीजें नहीं कर पा रहा है तो इस विषय पे अपनी क्या क्या राय है वो दो, कि अगर कुछ लोग इस तरीके इनिशिएटिव लें और अपने अपने गांव में और अपने अपने गांव को वो सशक्त और मजबूत बनाएं, क्योंकि देखो शक्ति होती है संगठन में, युवाओं का साथ लो, ठीक है, आप कमजोर हो तो जो ताकतवर लोग हैं गांव में वो दबाने का प्रयास करेंगे, ये तो होगा ही होगा, दिक्कतें तो आनी है, लेकिन वो दिक्कतें जो है ना हैंडल की जा सकती हैं, उन्हें फेस किया जा सकता है, और उसके बाद जो गांव का कायाकल्प होगा उसके बारे में सोच के देखो। क्योंकि देखो आप एकदम से ना तो जिला पंचायत में जाओगे ना ही आप कोई मतलब बड़े लेवल का चुनाव तो तुम लड़ नहीं सकते हो, पहले तो ग्राउंड से शुरू करो, और उसके बाद
ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। लेकिन एक ये बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या को मैं इस चीज़ से जोड़ रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ देखना, माइग्रेशन का, अगर लोग इस तरीके से अपने गांव में काम करने लगे और अपनी अपनी चीज़ों में संतुष्ट होकर काम करें तो परिवार जो है ना, मतलब ये माइग्रेशन का इशू भी ख़त्म हो जाएगा। जो इधर से उधर भागते हैं, अपने माँ बाप से भी दूर रहना पड़ता है, माँ बाप को बच्चों से दूर रहना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉब्लम आती है ना एग्जिस्ट करने में। माँ बाप का मन लीन लगता शहर में, तो और बच्चों का शहर में रहने के बाद गांव में मन नहीं लगता। तो ये इस तरीके के सोशल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, सामाजिक जो है ना ये समस्याएं उत्पन्न हुई हैं आने वाले ये पिछले कुछ सालों में, जैसे जैसे विकास कह लो या इसे डेवलपमेंट कह लो, जैसे जैसे जो भी हो रहा है। पहले लोग रहते थे, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पहले बड़े बुजुर्ग शायद बहुत अच्छे समन्वय और प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, और जितनी जिसके पास ज़मीन थी गांव में, 5 बीघा, 50 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा, 10 बीघा, 30 बीघा, 40 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा, जितनी भी हो, सब आपस में देखो एक बहुत लाइफ स्टाइल था प्रॉपर। तो ये एक थोड़ा सा अलग टॉपिक ऐसे बीच बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, बट ये जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अगर गांव का जो है अच्छे से जो है अगर वो हो जाए ना, मतलब ईमानदारी से अगर कोई गांव को लीड करे तो मज़ा आएगा मेरे हिसाब से, चीज़ें सही चलेंगी। पर कुछ चीज़ें हैं इसमें, अब ये गांव के स्कूल वाली बात है एजुकेशन की, और उसकी देखो यहाँ भी भ्रष्टाचार ही होता है। गांव के जो स्कूल्स होते हैं अगर उसमें फंड की बात करोगे तो बहुत पैसा आता है, और इतनी अच्छी सैलरी भी मिलती है टीचर्स को, बढ़िया सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं तुम्हें पता ही है, स्कूल की बिल्डिंग के लिए पैसे आते हैं वो खाया जाता है, कैसे खंडर से बना के डाल देते हैं, मतलब करप्शन है बहुत तगड़ा वाला। तो अगर वो चीज़ों पे भी अगर मॉनिटरिंग बढ़िया से हो तो कितना बढ़िया रहेगा। ये चीज़ हालांकि टफ है, क्योंकि इस तरीके का आप कोई भी चीज़ अगर, ये सिस्टम बना हुआ है एक तंत्र सरकार का, अगर इसे आप चैलेंज करोगे तो आपको बहुत जो है क्या कहना चाहिए कि विरोध झेलना पड़ेगा, और मतलब बिल्कुल सीधे सीधे आप कॉन्फ्लिक्ट में जाओगे। पर कुछ जो है लड़के ही मिलेगा, इतनी आसानी से तो दुनिया में इंसान को खैर क्या ही मिलता है, पर बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं मेरे हिसाब से। इसमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए किसी को आपस में, जलसी भी नहीं कि भाई मैं करूँगा मैं करूँगा, क्योंकि ऐसा भी होता ही है कि भाई मैं लीडर बनूंगा मैं लीडर बनूंगा। जो आपस में कॉम्पिटिटिव है, आपस में जो है संवाद से ही होगा, उसको सपोर्ट करना चाहिए। लोग जो है अलग अलग इक्वेशन चलती है गांव में, लेकिन अगर सोच कर देखो, अगर अच्छे लोग निसाफ नीयत से, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोगों पे मैं ज़्यादा जोर दूंगा कि अगर एजुकेटेड कोई इंसान अगर गांव का जो है लीड करेगा ना, तो वो गांव को बहुत आगे ले जाएगा। अब मेरे ऊपर आइए बात, तब तो मैं बात करता हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में यार कभी कभी ये चीज़ भी चलती है। मैंने ज़िंदगी के काफ़ी जो है चीज़ें देखी हैं, ठीक है, जो चीज़ें नहीं करना चाहता था वो की हैं, और फेडअप सा हो जाता है इंसान, क्योंकि मेटेरियलिस्टिक जो पोजेशन है ना, भौतिक जो संसार है, इसमें जितना भी जैसे मिल जाए वो कम ही कम है। मैंने तो ये अनुभव कर लिया अपनी ज़िंदगी में, सुख नहीं है उससे। इंसान की गलत फहमी है कि उसे इन सब चीज़ों से सुख मिल जाएगा, सुख नहीं है। सुख तो इंसान के अंदर है, और मेरे दिमाग में आता है कभी कभी कि ये मैं सोच के आया भी था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद, लेकिन आके खुद ही बेचैन हो गया, और अजीबोगरीब चीज़ें हुई हैं। कुछ रीजंस तो समझ में आते हैं कभी कभी, कुछ रीजन समझ में भी नहीं आते, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है समझनी। पर अगर इंसान दृढ़ संकल्प करे और एक डिसीजन ले, तो गांव में रह के भी अभाव में तो रहा जाएगा, देखो ठीक है अभाव में रहा जाएगा, सोच भी बदल जाएगी आपकी गांव में रह के, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हो चीज़ों को सही करने की, और गांव की ज़िंदगी को अच्छा बनाने की, सभी गांव के लिए, पूरे गांव के समाज के लिए, और शायद ये बहुत अच्छा होगा। संघर्ष रहेगा, इतना आसान नहीं है, और हम जैसे इंसान के लिए, खासतौर से जिसने बड़े शहरों में रह चुके हैं और उसके बाद फिर अगर गांव में रहना हो, तो इट्स अ बिट चैलेंजिंग, बट इट विल बी गुड, बहुत अच्छा भी होगा सभी के लिए। तो इस विषय में क्या राय है आपकी वो बताना। कुछ चीज़ें मुझे पता है गांव में खराब होती हैं, क्योंकि देखो संगत और समाज की सोच, उसका इंसान पे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसा रहते हो जिस जगह उसके वैसे ही बातें हो जाती हैं, और गांव में पता है आपको कि बहुत बहुत जो है ना, मतलब नैरो माइंडेड लोग भी रहते हैं, हर तरीके के लोग हर जगह मिलेंगे,
तो जिनकी सोच बहुत कुंठित होती है और बहुत पैसी रहती है, तो उस चीज़ का भी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर प्रोस की बात की जाए, अगर हम उस चीज़ को हटा दें, क्योंकि नकारात्मक चीज़ें देखोगे तो ये तो परिवार के अंदर भी होती हैं, कुछ लोग सही होते हैं कुछ लोग गलत होते हैं, तो समय के साथ साथ। लेकिन अगर हम केवल पॉजिटिव चीज़ों पर अगर ध्यान दें और गाँव में रह के अगर इस तरीके का माहौल खड़ा करें कि गाँव के इंसान को बाहर उसका मतलब ना जाए वो, तो ये समाज में कितनी ज़्यादा मतलब सोचो कि माइग्रेशन भी नहीं होगा। और मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ को सबसे बड़ा पॉइंट, मेन कारण इसका मेरा उठाने का ये है कि मैं फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, और वो बहुत लोग कर रहे हैं। मैं बोल देता हूँ बता देता हूँ, लोग कुछ लोग नहीं बताते हैं, शांत रहना चाहते हैं, तो अपनी अपनी सोच का हिसाब है सबका। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है कि जो माँ बाप हैं वो गांव में रहते हैं और बच्चे शहर में रह रहे हैं, और कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं अच्छी पढ़ाई। अरे अच्छी पढ़ाई लिख कर के देख लिया यार, कौन कहाँ जा रहा है, कितना बड़ा प्रभाव आएगा। और कैसी पढ़ाई हो रही है आजकल की, क्या पढ़ाई है, अपने माँ बाप से उल्टा सीधा बोलना, बड़ों से आपस में प्यार नहीं है, रिश्तेदारियों में प्यार नहीं रहा, ईर्ष्या, जेलसी, सेल्फिशनेस, क्या कुछ नहीं हो रहा। बाहर जाके पढ़ लिख के बड़े शहरों में क्या, कौन से झंडे गाड़ लिए भाई, यही सब तो चल रहा है, तो सोच तो बदली नहीं है, कहीं भी चले जाओ। तो अगर ऐसा ना करके, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन जो कारण है ना वो ये है कि जनरेशन के बीच में ना गैप आ रहा है, और जो अलग अलग पीढ़ियों को अलग अलग जगह रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। मैंने वो चीज़ बहुत फेस करी, और मुझे अब महसूस हुआ कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। और फिर आपस में जो है ट्यूनिंग बैठानी भी बहुत दिक्कत भारी पड़ जाती है, क्योंकि जो कहीं गांव में रह रहा है उसकी सोच अलग तरीके से काम करेगी, शहर वाले की अलग तरीके से काम करेगी। हालांकि समझ समझ की बात भी है ये चीज़, समझ कैसी होती है इंसान की, अगर अच्छी समझ है तो सब एडजस्ट भी हो जाता है, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता है। और अगर गांव में रह के, गांव के लोग पढ़े लिखे लड़के, मैं तो कह रहा हूँ कि जो गांव में रहे हैं हमेशा से, बाहर निकले नहीं हैं और पढ़े लिखे, और किसी कारणवश उन्हें सफलता नहीं मिल पाई जो वो चीज़ चाहते थे, तो वो इस तरफ आए राजनीति में, मेरे ख्याल से गाँव से शुरू करें अपनी, गाँव की राजनीति बिल्कुल बेसिक स्तर है ये, बिल्कुल मतलब कहना चाहिए ना जैसे ABCD कहते हैं, ABCD है ये पॉलिटिक्स की गांव से, तो कितना बढ़िया रहेगा। पर त्याग करना पड़ेगा भाई, त्याग करना जो है आसान नहीं है, क्योंकि बहुत चीजों का त्याग करना पड़ेगा, बहुत सुख उसका, कंफर्ट का, आराम का। लाइट है, लाइट की प्रॉब्लम है गांव में, तो उससे भी समझौता करना पड़ेगा। और स्कूल्स हैं, स्कूल्स में भी एजुकेशन चाहिए जिस भी लेवल की, जिस भी स्तर की मिलेगी अपने बच्चों के लिए, उससे तुम्हें समझौता करना पड़ेगा। तुम्हें मेडिकल फैसिलिटीज से समझौता करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब वो अपनाना पड़ेगा जो वहाँ का तरीका है। गांव में देखो जो मैंने फेस करी है ये चीज़ की, जब हम शहर में रहते हैं तो अब जाओगे तो सीधे MBBS के पास जाओगे, वो सीधे पर्चा काट देगा आपका, या मेडिकल से ले लोगे तो मेडिकल वाला भी कुछ दिन दे देगा, ठीक नहीं होगे तो MBBS ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ये झोला छाप वगैरह तो बहुत कम है, ठीक है, और अच्छी खासी फीस है सभी जगह। छोटे शहरों में हालांकि तुम्हें ये चीज़ें मिल जाएंगी, ये अफोर्डेबल बन जाएगी हर उसके लिए जो जनता है, लेकिन बड़े शहरों में ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर आपका खर्चा बढ़ता है इन सब चीज़ों से। गाँव में आप जाके सीधे डॉक्टर रहते हैं हर तरीके के, तो झोला छाप डॉक्टर नॉर्मली गांव में रहते हैं, ठीक है, उनसे जाके अपना दवाई ले लेते हैं, और हर कोई नहीं ले सकता भाई MBBS से दवाई, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ये सही भी हैं और कहीं ना कहीं ये जो है गलत भी हैं। पर ये है कि ठीक है जो चल रहा है ये चल रहा है, अगर आप गांव में सरकारी स्कूल वो अस्पताल आते हैं, स्कूल आते हैं, अगर सोचो वो सही से काम करें प्रॉपर तरीके से, और सरकार बहुत पैसा खर्च करती है मेरे हिसाब से, तो गाँव में अगर कोई ऐसा आदमी है जो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखे और बढ़िया तरीके से सब चीज़ों को मतलब क्या कहना चाहिए सुपरवाइज करके अगर गांव की जनता के लिए अगर काम करे, तो सोचो कितना बढ़िया होगा। तो इस विषय पे क्या राय है अपनी, वो राय जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि क्या करना चाहिए, कि गांव में इस तरीके से ये सब चीज़ों में कोशिश करनी चाहिए, निर्णय
या नहीं करनी चाहिए, मुझे अपनी राय ज़रूर बताएं कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।